क्यों बांट रही है समझ नहीं आ रही। आज श्रीलंका का ऐसा हाल देखने के बाद भी अगर हमारा भारत देश अभी भी नहीं संभलता तो आने वाले टाइम में तो भारत देश गुलाम बन जाएगा और ऐसे हालात पैदा हो जाएंगे कि आदमी के नोचने लग जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। पीएम मोदी के फ्री की रेवड़ी बांटे जाने वाले बयान पर बोले शकुर बस्ती के कांग्रेस नेता मदन खुराना। भारतीय सेना की अग्निपथ योजना के साथ ही दिल्ली सरकार के मंत्री और स्थानीय शकुर बस्ती विधायक सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी को लेकर भी जनमत की पुकार से बात की। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनमत की पुकार न्यूज और मैं भी मौजूद हूँ शकुर बस्ती में। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कल बोला है कि फ्री की रेवड़ियां बांटी जा रही है, जिस पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल में बौखलाहट है, कैसे देखते हैं इसे? कांग्रेस कैसे देख रही है मदन खुराना जी? सबसे पहले तो जायसवाल जी, मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। जिस साहस से, स्वाभिमान से आप समाज के और देश के मुद्दों पर बात करते हो वो बहुत सराहनीय है। और आपका जो जनमत की पुकार का अखबार और यूट्यूब चैनल है, लाखों लोग देखते हैं, इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं। रही बात, प्रधानमंत्री साहब ने सही कहा कि मुफ्त की रेवड़ियां हर पार्टी बांट रही है। क्यों बांट रही है समझ नहीं आ रही। आज श्रीलंका का ऐसा हाल देखने के बाद भी अगर हमारा भारत देश अभी भी नहीं संभलता तो आने वाले टाइम में तो भारत देश गुलाम बन जाएगा और ऐसे हालात पैदा हो जाएंगे कि आदमी के नोचने लग जाएगा। तो मैं यही चाहता हूं कि वे मुफ्त का काम बंद कर दिए जाए। जिस तरीके से देश में महंगाई बढ़ती जा रही है, गैस हो, पेट्रोल हो, बेरोजगारी, कैसे देखते हैं कांग्रेस इसे? देखो, इन्हीं मुद्दों के ऊपर जब भी थोड़े से पेट्रोल या गैस के दाम बढ़ते थे तो प्रदर्शन करके बीजेपी सत्ता में आई और बहुत बड़े बड़े वादे किए गए। रामदेव बाबा जी ने भी इंटरव्यू में कहा सस्ता चाहिए, आधे रेट पे चाहिए। और आज गैस के भाव कितने ऊपर बढ़ गए हैं, महंगाई कितनी बढ़ गई है और बेरोजगारी। जब युवा देश की रीढ़ की हड्डी होता है, जब रीढ़ की हड्डी ही नहीं होगी, जब युवा बेरोजगार होगा तो वो देश कैसे संपन्न और प्रतिभाशाली बन सकता है? तो मैं तो यही कहना चाहूंगा, महंगाई पे रोक होनी चाहिए और जितने से जितना ज्यादा हो रोजगार देना चाहिए। फ्री नहीं देना चाहिए, रोजगार देना चाहिए। रोजगार की बात करें तो केंद्र सरकार ने अभी अग्निवीर योजना करके योजना लाई है, जिसका कांग्रेस आप लोग विरोध क्यों कर रहे हैं आखिर इसका? अग्निवीर योजना बिल्कुल गलत योजना है। एक इंसान देश के लिए जान देने के लिए जा रहा है और उसका आप करार कर रहे हो 4 साल के लिए, ये कैसी योजना है? मैं नहीं मानता कि ये अग्निवीर योजना अच्छी है। और शायद जो भारत देश से प्यार करता है, जो भारत देश के लिए अपनी जान देना चाहता है, वो इस योजना के बिल्कुल खिलाफ है। खुराना साहब, एक सबसे अहम सवाल है, आप शकुर बस्ती में हैं, मैं भी शकुर बस्ती में मौजूद और यहाँ के विधायक दिल्ली सरकार में मंत्री रहे हैं और हवाला के केस में ईडी ने उनको जेल में डाल रखा है, कैसे देखते हैं? देखो, सरकार का काम है, ईडी का काम है, जो करेगा उसको भुगतना तो पड़ेगा, क्या इस जन्म में क्या अगले जन्म में। इसलिए हमारे जो हिंदू संस्कार है हमें यही सिखाते हैं कि किसी का बुरा मत करो, लालच मत करो, धोखा मत करो और बेईमानी का पैसा यूज मत करो, मतलब कि अपने घर ना लेके जाओ और बेईमानी से दूर रहो। अगर हमने भारत को संपन्न और शक्तिशाली देश बनाना है तो सबसे पहले हमें अपने घर को देखना पड़ेगा। अब जब मेरे को जो अखबारों से ही पता चला कि हमारे माननीय मंत्री जी ने कहा कि मेरी याददाश्त कमजोर हो गई है कोरोना में, मुझे याद नहीं है। जिस मंत्री के पास 7-7 विभाग हो और उसकी याददाश्त कमजोर हो तो कैसे सरकार चल सकती है? अपनी समझ से बाहर आई। केजरीवाल जी ने तो कहा है कि इन्हें पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया है तो कम है, क्योंकि इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक बनाया, क्षेत्र में ऐसा ऐसा काम किया है कि लोग देश दुनिया से लोग देखने आते हैं। क्या वास्तव में ऐसा काम हुआ है कुछ? अगर मंत्री जी को पद्म विभूषण दे दिया और उसके बाद उन्होंने कह दिया मैं भूल गया हूँ तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? तो देख रहे हैं, हमारे साथ बात कर रहे थे मदन खुराना जी, मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। नमस्कार। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।